मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था कि मतलब औजार के विषय पर, अमीन कोर्स के कितने औजार। तो उसमें मैंने दिखाया था औजार को और मैंने कहा था कि डिटेल्स में उसके विषय में मतलब हम वीडियो बनाएंगे। तो इसके विषय में कमेंट्स भी आए तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। तो आज हम बात करेंगे और जानेंगे करी के बारे में। करी, तो करी को बारीकी से हम समझेंगे और देख लें कि आज करी को हम किस तरह समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। ये है करी, इसको कहते हैं गंटरी जड़ी। गंटरी जड़ी, इसे सीएच गंटर साहब ने बनवाया था और इसलिए इसका नाम गंटरी जड़ी रखा गया है। तो इसमें हम एक चीज को समझे, ये जो देख पा रहे हैं हैंडल, इसको कहते हैं हैंडल। पीतल का बना हुआ रहता है, इसका नाम है हैंडल। और फिर ये पहला करी का साइज जो है ये छोटा है, यानी कि हैंडल को मिलाकर एक करी है। उसके बाद यहाँ से फिर देख रहे हैं दूसरा करी है, तीसरा करी है, चौथा करी है, पांचवा करी है, छठा करी है, सातवां करी है और आठवां करी, नौवां करी एंड दसवां करी। तो दसवां करी पे एक चीज आप देख पा रहे हैं, ये एक फुलिया है। दस करी पे एक फुलिया रहता है। उसी तरह से आगे हम देखें तो यहाँ पर जो है बीस करी पे एक फुलिया लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये 20 कड़ी है। फिर आगे हम देखें तो इसी तरह 30 कड़ी पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये तीन फुलिया। अगर हम इसको जहाँ देखें कड़ी में तो समझे कि ये 30 कड़ी है यहाँ पर। तो आगे फिर हम इसको देखते हैं इसी तरह से, फिर 10 के आगे के स्टेप पे जाएंगे तो ये है 4। तो इस तरह से ये पीतल का जो था वो मतलब मापी में खुल गया था, जिसके कारण मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाकर लगाया है। तो इस तरह से जहां पर 4 इस तरह से निशान रहेगा तो ये 40 का निशान है। फिर आगे हम चलते हैं 50 करी पे। तो 50 करी पे आप देख पाएंगे कि इस तरह का ये रहता है गोल फुलिया, गोल इस तरह से रहेगा, ये गोल है और ये बीच का भाग है। अगर 100 करी का एक जरीब है तो उसका ये बीच का भाग है, इसे ये 50 करी का है। फिर हम इधर से यहाँ इस तरफ चलते हैं 60 करी की ओर, तो सेम उसी प्रकार है कि 60 करी पर हमको मिलेगा 6 नहीं बल्कि 4 इस तरह से। फिर आगे हम 70 पे चलेंगे तो 70 पे 7 के बजाय हमको मिलेगा 3, ये तो 70 करी यहाँ पर है। उसी तरह से हम आगे देख पाएंगे कि 80 करी पे जाएंगे तो यहाँ पर 8 के बजाय मिलेगा 2, 8 के बजाय 2, तो ये 80 करी है। इधर से हम उल्टा अगर करें तो वो 20 करी का होगा और सीधा में जाएं तो 80 करी का होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये 90 करी मान सकते हैं इसको। इधर से हम चलते हुए आए हैं 10-10 के अंतराल में, तो यहाँ पर हम इसको 90 करी बोल सकते हैं। और यदि हम यहाँ से इस हैंडल से उल्टा इधर से चलते हैं तो ये 10 करी का है। तो इस तरह हम ये समझ पा रहे हैं कि करी का जो है 10 के अंतराल पर ये चिन्ह होता है और इसे हम मतलब इसी से हम पता करते हैं कि देख पाते हैं, फिर बीच में गिनती कर लेते हैं कितने करी पर कौन सा खेसरा है। इस तरह से हम माप पाते हैं घंटी करी से किसी भी खेसरा को। तो दोस्तों आज तक मतलब आज का ये टॉपिक था कि करी को हम कैसे जाने बारीकी से। तो ये डिटेल्स में मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि ताकि आप लोग इस चीज को जान सकें।